हेलो एवरीवन ऑल ऑफ यू आर वंस अगेन हार्डली वेलकम्स टू माय ऑनलाइन चैनल टुडे वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर टेंथ फ्रॉम द बुक रेजोल्यूशन ऑफ क्लास टेंथ दिस चैप्टर इज द इम्प एंड द दस ब्रेड फेजन्स ब्रेड ये कहानी एक किसान की है और एक इम्प की है इम्प होता है छोटा भूत जिसे कह सकते हैं जिन्न जो बहुत ही दुष्ट है और किसान को बिगाड़ने के उद्देश्य से यहाँ पर आता है नाउ स्टार्ट द स्टोरी बट बिफोर स्टार्टिंग इट इज़ आर रूल टू रीड डिफिकल्ट वर्ड्स लेट्स स्टार्ट फेजेंट फेजेंट मीन्स अ कंट्री पर्सन और अ फार्मर इम्प इम्प इज लिटिल डेवल और अ अस्चिवियस स्पिरिट डेविल चीफ स्प्रिट ऑफ इविल एंड एन अपोनेंट ऑफ गॉड डैम्प जो भगवान मतलब डेविल कौन होता है जो भगवान का अपोनेंट होता है विरोधी होता है डैम्प नॉट ड्राई स्लाइटली वेट नम वर्ड का अ काइंड ऑफ वाइन रशियन ड्रिंक दिस स्टोरी इज फ्रॉम रशियन बैकग्राउंड Swearing, swearing, using rude or offense, offensive language. Horrid, hurried, uried, moved rapidly or in great haste. Claimed, claimed means demanded something as rightful or due. Splash, move in water so that drops of it go in all directions. Plead, pleased, pleased. सेटिसफाई हैप्पी और डिलाइटेड अनस्टेडली अनस्टेडली मीन्स अनस्टेबल और शैकी जो लड़घड़ाता हुआ चलता है एंड अस्थिर uh, जिसे कह सकते हैं हम सठिन सठिन डेफिनेट और कॉन्फिडेंट एंड प्रेज प्रेज अप्रूव्ड और एडमायर्ड All these are difficult words, but not uh, uh, much more difficult that we can't understand. Very easy language has this chapter. Let's come to the point. From uh, now, we are going to start the story. A poor peasant went off early one morning to plough, taking with him for his breakfast a piece of bread. कहानी में लिखा है एक गरीब किसान है फेजेंट फार्मर went ऑफ जो रवाना होता है रवाना हुआ गया अर्ली मॉर्निंग टू प्लाव मीन्स जुताई करने के लिए खेत में taking विद हेम फॉर हिज ब्रेकफास्ट अ पीस ऑफ ब्रेड अपने साथ में ब्रेकफास्ट के लिए रोटी का एक पीस लेकर भी जाता है गया ही गॉट हिज प्लाव रेडी उसने अपनी हल तैयार किए पुट हिज कोट राउंड द ब्रेड और अपना कोट जो ब्रेड साथ में लेकर आया था भोजन के नाश्ते के लिए उसको कोट में रखा और उसको राउंड किया हिड इट अंडर बुश एंड स्टार्टिंग वॉक और इसको कोट के अंदर रख के उसको बुश के नीचे यानी छाड़ी के नीचे छुपा दिया और अपना काम शुरू किया आफ्टर अ वाइल कुछ समय बाद व इन हीज हॉस वॉज टायर्ड एंड ही वॉज हंग्री जब उसकी घोड़े थक गए रशियन uh, स्टोरी है वहाँ पर हमारे यहाँ इंडिया के जैसे बैलों से जुताई नहीं होती है वहाँ घोड़ों से जुताई हो रही है तो वहाँ वो उसकी घोड़े वो जब टायर्ड हो गए थक गए और उसको खुद को भी भूख लगी थब इज स्टॉप प्लाउिंग तब उसने अपनी जुताई का कार्य रोक दिया लेट द हॉस लूज टू फीट घोड़ों को भी फ्री कर दिया ताकि वो भी अपना चारा वगैरह खा सके भोजन ले सके एंड वेंट टू गेट हिज कोट एंड हिज ब्रेकफास्ट और अपने कोर्ट की तरफ गया जहाँ उसने कोर्ट रखा था और अपना ब्रेकफास्ट रखा था उस तरफ वो गया ही लिफ्टेड द कोट बट द ब्रेड वाज गॉन अभी वो बहुत गरीब किसान था और उसने अपना कोट जैसे ही ऊपर उठाया उसकी रोटी वहाँ पे नहीं थी द ब्रेड वॉज गॉन वो जा चुकी थी यानी गायब हो चुकी थी ही looked एंड looked. उसने देखा देखा इस तरफ देखा उस तरफ देखा चर्न द कोट ओवर एंड शो it. अपना कोट ऊपर उठाया उसको हिलाया ये देखने के लिए क्या पता इसके कहीं अंदर वो आ, अटक नहीं गई हो रोटी बट द ब्रेड वॉज गॉन लेकिन वो रोटी तो जा चुकी थी द प्रेजेंट कुंडरस्टैंड दिस एट ऑ अब ये किसान जो था इस मामले को इस बात को पूरी तरह से बिल्कुल भी समझ नहीं पाया कि आखिर क्या हुआ दैट्स अस्ट्रेंज ही थाट उसने सोचा बड़ी अजीब बात है आई सॉ नो वन याट समन हैज बीन एंड हैजन द ब्रेड उसने सोचा कि आई सॉ नो वन मैंने किसी को भी नहीं देखा आई सो नो वन कि मैंने किसी को भी नहीं देखा ये समी कोई यहाँ पर था एट हैज़ टेकन द ब्रेड और मेरे ब्रेड लेकर चला ज़, गया ऐसा कैसे हो सकता है बहुत ही शॉक्ड था इट वॉज एन एम्प हुजॉल इन द ब्रेड और एक्चुअल में वो कौन था एक एम्प था जिसने उसकी रोटी को चुराया था इट वॉज एन एम्प हुज़ स्टॉल

वो uh, उस एक बुश के पीछे छुपा हुआ था एम्प वेटिंग टू तो हियर स्वेयर और वो इंतजार कर रहा था कि किसान उसे स्वेयर यानी कुछ अनवॉन्टेड वर्ड्स बोले एंड कॉल ऑन द नेम ऑफ द डेविल और उसे अपने लिए डेविल नाम पुकारा जाने का वो वेट कर रहा था द फेजेंट वॉज सॉरी टू लॉस इज ब्रेकफास्ट और वो किसान अपना ब्रेकफास्ट खोकर बहुत दुखी था बट इट कैन बी हेल्प सैड ही उसने कहा कुछ भी नहीं हो सकता अब हो गया तो हो गया अब कुछ नहीं हो सकता आफ्टर ऑल आई शल नॉट डाइट ऑफ हंग और आखिर मैं कोई भूख से मर तो नहीं जाऊँगा ये सोचा उसने नो डाउट नी संदेह हु टुक द ब्रेड नीडिड इट जिसने भी रोटी ली है उसको इसकी ज़्यादा आवश्यकता रही होगी मे इट डू हिम गुड ईश्वर उसका भला करे यानी उसका हमेशा भला हो यानी उसने उस इम्प के लिए कुछ भी बुरे वर्ड नहीं बोले उसने उसके लिए ऐसा ही कहा कि जिसने भी ली है वो उसका अच्छा हो भला हो और उसकी ज़्यादा आवश्यकता रही होगी ही वेंट टू वेल हैड ड्रिंक ऑफ वाटर एंड रेस्टेड फॉर अ वाइल अब वो वहाँ से कुएँ की तरफ गया पानी पिया और कुछ समय के लिए उसने आराम किया देन ही कॉट हिज हॉस फासन इट टू द्लाव एंड बिगेन प्लाइंग अगेन फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद में फिर से उसने अपने घोड़ों को कॉट किया पकड़ा फासन इट टू द्लाव और उसको अपने हल से जोड़ा जोता एंड बिगेन प्लाइंग अगेन और फिर से अपनी जुताई का कार्य प्रारंभ किया द इम्प वॉज अप सैट और इम्प ये सब देखकर बहुत ही अपसेट हुआ दुखी हुआ बिकॉज ही हैड नॉट मेड द फेजन टू रॉन्ग क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं हुई जिसकी वजह से वो उस किसान का कुछ बुरा कर सके इम्प था ना राक्षस था आखिरकार तो राक्षस तो हमेशा बुरा ही ढूंढते हैं कि कैसे भी करके आगे वाला मेरे लिए कुछ बुरा बोले तो मैं इसके साथ में बुरा करूँ और वो बुरा काम नहीं कर पाया किसान का कुछ बुरा नहीं कर पाया इसलिए वो अपसेट था एंड ही वेंट टू दैविल और इसलिए वो दुखी था तो अपने डेविल मास्टर के पास गया टू रिपोर्ट वॉट हैड है उसको सारी रिपोर्ट देने के लिए कि आज क्या क्या हुआ ही केम टू द डैवल एंड टोल्ड हाउ ही हैड टेकन द प्रेजेंट ब्रेड वो डैवल के पास गया उसने उसको बताया कि कैसे उसने उस किसान की रोटी चुराई हाउ द फेजेंट इन स्टेड ऑफ स्वेयरिंग हेड सेड मे इट डू हिम गुड और उसको गालियाँ मतलब उसके लिए कुछ अपशब्द बोलने के बजाय किसान ने उसे उसके लिए अच्छा बोला कि ईश्वर उसका भला करे ये शब्द उसके लिए बोले हैं द डैव वॉज एंग्री अब डेविल जो मास्टर डेविल था वो बहुत ही गुस्सा हुआ एंड रिप्लाइड कहा इफ़ द मैन गॉट द बैटर ऑफ यू इट वॉज़ योर ओन फॉल्ट कि अगर उस आदमी ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कहा तो ये तुम्हारी खुद की गलती है यू डोंट अंडरस्टैंड योर बिजनेस इसका मतलब तुम अपना कार्य नहीं समझते हो जो अच्छे लोग होते हैं उनका काम अच्छा कार्य करना होता है और जो बुरे लोग होते हैं उनका कार्य होता है बुराई का प्रसार करना तो यहाँ पर वो बुरा है एम डेविल भी बुरा है बुराई का प्रतीक है तो वो कहते हैं कि आपने उस किसान ने आपको अगर अब शब्द नहीं बोले हैं इसका मतलब आपने अपना काम ढंग से नहीं किया इफ़ द एंड देयर वाइव्स डू दैट काइंड ऑफ थिंग अगर वो किसान और उसकी पत्नी अगर इस तरह ये सारे किसान और उनकी पत्नियाँ इसी तरह अगर अच्छा करते रहे वी शिल भी लॉस्ट तो हम तो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे द मैटर कान बी लेफ्ट लाइक दैट और इस मामले को हम इसी तरह नहीं छोड़ सकते गो बैक एट वंस वापस तुरंत जाओ एंड मेक थिंग्स राइट और ये जो, जो भी तुमने गलतियाँ की हैं उनको वापस सही करो इफ इन थ्री ईयर्स यू डोंट गेट द बैटर ऑफ दैट प्रेजेंट इन तीन सालों में अगर तुमने उस पेजेंट को उस किसान ने जो तुम्हारे लिए अच्छा किया था उसके साथ में तुमने हमारे हिसाब से कुछ ढंग का काम नहीं किया आई विल हैव यू थ्रोन इन टू होली वाटर तो मैं तुम्हें उस होली वाटर में डाल दूँगा यानी जो पवित्र जल का कुंड है उसके अंदर में तुम्हें डाल दूँगा यानी तुम्हें जाना है और किसान को बुरा आदमी बनाना है द इम्प वॉज फ्राइक् अब वो इम्प डर गया पवित्र पानी का नाम सुनते ही वो डर गया ही हरीड हरीड बैक टू अर्थ वो तुरंत धरती पे गया थिंकिंग हाउ ही कुड अप फॉर हिज मिस्टेक और ये सोचते हुए गया कि वो कैसे अपनी उस गलती को मेकअप कर सकता है उसकी क्षतिपूर्ति कर सकता है ही थाट एंड थाट उसने सोचा और बहुत सोचा एंड एट लास्ट ही थाट ऑफ अ गुड प्लान और अंत में उसने एक बहुत अच्छा प्लान सोचा He changed himself into a working man. उसने अपने आप को एक working man में change किया यानी अपने आप को एक जो कार्य करने वाले होते मजदूर किसान किसानों के अंडर में काम करने वाला working man उसके रूप में अपने आप को change किया and went to work with the poor peasant और उसके गरीब किसान के पास गया उसके साथ में कार्य करने के लिए the first year he एडवाइस the peasant सो कॉन in a लॉ लेइंग damp place. पहले साल में उसने उस किसान को ये आ, सलाह दी कि उसको सोइंग सो सो मीन्स उगाना बोना अनाज को कहाँ बोना चाहिए लॉ लेइंग डैम्प प्लेस निचली स्थान यानी जो मैदान है उसके नीचे वाले स्थान पर तो उसे खेती करनी चाहिए उसे वहाँ पर बुवाई करनी चाहिए जो डैम्प प्लेस होगा जो कि नम होगा The peasant took his advice. उस किसान ने भी उसके एडवाइस को माना एंड सोड दिया और उसी नीचे वाले भाग पर बोई बुआई की द यर हैपन टू बी वेरी ड्राई वन और वो उस वर्ष बहुत ही सूखा रहा यानी उस वर्ष बारिश नहीं आई तो अच्छा हुआ ना उसे सलाह दी उसको कि भई तुम निचली ज़मीन पर बुवाई करना वहाँ नीचे वाली जमीन में पानी जो ज़मीन के द्वारा ऑब्जर्व किया हुआ होता है तो जब पानी अगर बारिश नहीं आए तो वो वाटर की वजह से जो ज़मीन डैम्प होती है तो भी हमारी फसल उग जाती है काफ़ी हेल्प मिलती है कम पानी से काम चल जाता है तो इसलिए उसकी सलाह को उसने माना और लो आ, लो लेंग डैम्प प्लेस पर उसने बुआई की थी तो अच्छा रहा क्योंकि वो साल सूखा था एंड द क्रॉप्स ऑफ द अदर प्रेजेंट व ऑल बॉन्डअप बाय द सन और जब बारिश नहीं आई तो सूर्य की तेज धूप में बाकी सारे किसानों की जो फसलें थी वो बिल्कुल जल गई सूख गई बट द पुअर प्रेजेंट्स कॉन ग्रीओ थिक एंड टॉल एंड हैवी विथ ग्रीन लेकिन इस गरीब किसान की जो फसल थी वो कैसी रही थिक टॉल एंड हैवी विद ग्रीन अनाज के भी अच्छे बड़े दाने थे नॉट ओनली हैड ही इनफ ग्रीन टू लास्ट हेम फॉर द होल ईयर और इतना अनाज हुआ कि ना केवल उसके साल भर के लिए पर्याप्त रहे बट ही हैड ऑलमोस्ट ऑल्सो मच टू स्पेयर बल्कि उसके पास में एक्स्ट्रा भी हुआ ताकि वो स्पेयर भी कर सके उसको खर्च कर सके। द तो ये पहले साल द नेक्स्ट ईयर ही द इम्प एडवाइज द पेजेंट सो ऑन द हिल पहले साल उसने कहा कि निचली ज़मीन पे करो दूसरे साल पे उसने कहा कि तुम ऊपर पहाड़ी के ऊपर बुवाई करो एंड इट हैपन् टू बी ओ वेट समर और क्या हुआ कि समर कैसा रहा वेट रहा गीला रहा यानी अच्छी बारिश रही अदर पीपुल्स कॉन वॉज बीच इन डाउन अन्य किसानों की फसलें जिन्होंने निचले ही जमीन पर बुआई की थी वो तो बारिश में बह गई एंड द ईयर्स डेड नॉट फेल और उनके लिए ये साल पर्याप्त नहीं रहा बट द प्रजेंट ट हिल लेकिन उस किसान ने जो पहाड़ी पर जो बुआई की थी वो तो फाइन वन उसकी फसल बहुत अच्छी रही ही हैड मोर ग्रीन टू स्पेयर दैन बिफोर अब उसके पास इस वर्ष पहले साल की तुलना में भी ज़्यादा अनाज रहा उसके पास सो दैट ही डिड नॉट नो वॉट टू डू विद इट ऑल और इसलिए वो ये जानता भी नहीं था कि अब एक्स्ट्रा अनाज का वो क्या करें क्योंकि तो उसके पहले हमेशा इतना ही होता था कि साल भर पर्याप्त तो चल सके लेकिन अब दो सालों से उसकी कॉर्न अच्छा हो रहा था उसकी फसल अच्छी हो रही थी तो जब बच रहा था अनाज तो वो सोच नहीं पा रहा था कि मैं इसको क्या करूँ डाइन द एम शोड द पेजेंट हाउ ही कुड क्रश द ग्रेन एंड मेक वर्ल्ड का फ्रॉम एट तब उस एम्प ने उसे सलाह दी पेजेंट को बताया कि कैसे वो इस एक्स्ट्रा ग्रीन को क्रश करें यानी उसको कूट कर कूट के कुचल दें और उस अनाज से वोडका बना लें एंड द प्रजेंट मेड वोडका और उस किसान ने भी वोडका बनाई एंड बिगेन टू ड्रिंक इट हिम सेल्फ उसको उसने खुद भी पिया एंड इट टू गेव इट टू हिज फ्रेंड्स और अपने मित्रों को भी उसे पीने को दिया सो टू द डेवेल हिज मास्टर अब जो इम्प था वो अपने मास्टर डेविल के पास गया एंड क्लेम्ड प्राउडली और बहुत ही गर्व से दावा किया दैट ही हैड नाउ सक्सेडेड वेर ही हैड फेल बिफोर कि जिस कार्य में वो पहले फेल हुआ था अब उस काम में सक्सेस हो चुका है द डेविल सेड दैट ही वुड कम एंड सी फॉर हिम सेल्फ डेविल ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं मैं खुद आऊँगा और तुम्हारे कार्यों को देखूँगा ही केम टू दू पीजेंस हाउ इसलिए वो उसके साथ दोनों उस किसान के घर गए एंड सो देखा दैट द प्रेजेंट हैड इनवाइटेड हिज वेल फ्रेंड्स कि उन्होंने क्या देखा कि उस किसान ने गरीब किसान जो पहले गरीब था उसने अपने बहुत ही संपत्ति वाले अमीर जो मित्र थे उनको अपने घर पे इनवाइट किया हुआ था एंड वॉज गिविंग दैम ड्रिंक्स और उनको वो सबको ड्रिंक दे रहा था हिज वाइफ वॉज ऑफरिंग द ड्रिंक्स ड्रिंक टू द गैस उसकी पत्नी भी जो गेस्ट थे उनको ड्रिंक सर्व कर रही थी एंड एज चुप इट राउंड और जैसे ही वो पीछे मुड़ी शी फेल अगेंस्ट द टेबल तो वो अगे उस टेबल से टकराई एंड अ ग्लास फुल स्प्लैश ऑन टू तभी क्या हुआ कि उसके हाथ के अंदर जो ग्लासेस थे ड्रिंक की वो ग्लास एकदम एक ज़मीन पर बिखर कर गिर गई ये कहानी आज के लिए इतनी ही अगला भाग नेक्स्ट वीडियो में लेकिन इसके लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट यू कैन गेट नेक्स्ट नो नोटिफिकेशन थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग बी कंटिन्यू